वेलकम टू शॉर्ट हैंड क्लासेस। तो आज हम शॉर्ट हैंड का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। हमने 5 पार्ट कर चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आउटलाइन है सुरक्षा। तो समझते हैं कैसे बनाएंगे। से में रे बनाकर और छः बनाकर काट कर ए की मात्रा आ सुरक्षा, या मात्रा नहीं लगाएंगे तब भी उठ जाएगा। से में रे बनाकर छः और आ सुरक्षा। नेक्स्ट वर्ड इज उठाई। ठे बनाकर आ और ये बनाकर ई की मात्रा उठाई। नेक्स्ट वर्ड इज जाति रही है। तो सबसे पहले समझते हैं जाति कैसे लिखा जाएगा। तो जय बनाकर तय बनाकर ई की मात्रा जाति, और रही है में रह है बनाकर ई की मात्रा रही है। तो अब इन दोनों को मिला देंगे तो आउटलाइन बनेगी जाति रही है। नेक्स्ट वर्ड है द्विपक्षीय। तो दे बनाकर फिर पे फिर छः बनाकर यह हो जाएगा द्विपक्षीय। ये बहुत अच्छा वर्ड लाइन है, ये बहुत आसान से उठ जाएगी, ये बहुत आती है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रस्ताव। तो पे में स्त का आकर लगाकर उठ जाएगा प्रस्ताव, या ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं पैर है फिर से फिर तय फिर बे प्रस्ताव। मतलब ये आउटलाइन बहुत अच्छी है, रे बनाकर स्त का आकर लगाकर, क्योंकि इससे उठ जाएगा प्रस्तावना। हमारी ये आउटलाइन होगी प्रस्तावना की। नेक्स्ट वर्ड है घोषणा पत्र। तो घे बनाकर सन का आकर लगाकर काट कर हो जाएगा घोषणा, और पैसे पत्र ये मिला भी देंगे घोषणा बनाकर पै और फिर तिरह बनाकर घोषणा पत्र तिरह। नेक्स्ट वर्ड इज विस्तार। तो ये दो तरीके हैं, एक तो बे बनाकर फिर से तय आर ये पूरा हो जाएगा लिखना, या ऐसे लिख सकते हैं बे में से को तर कर देना आ की मात्रा के साथ तो हो जाएगा विस्तार। नेक्स्ट वर्ड इज सम्मिलित। तो से बनाकर डबल में फिर ले फिर तय सम्मिलित। नेक्स्ट वर्ड इज दोनों। तो दो बनाकर फिर नए की मात्रा दोनों, ऐसे ही हम बनाकर दो फिर अंडा करके हम दो हमारे दो। नेक्स्ट वर्ड इज बरगो। तो बे बनाकर फिर रे फिर गे ओ की मात्रा बरगो, या ऐसे भी लिख सकते हैं बे में गे बनाकर और ओ ई की मात्रा लगाकर लास्ट में ये हो जाएगा बरगो। नेक्स्ट वर्ड इज वृद्धि। बे में रे बनाकर फिर दह बनाकर ई की मात्रा वृद्धि। नेक्स्ट वर्ड इज पक्षपाती। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो पक्ष ऐसे लिखा जाता है और विपक्ष ऐसे, हो जाएगा पक्ष विपक्ष। तो ऐसे ही पक्ष फिर पै बनाकर तय ई की मात्रा पक्षपाती। नेक्स्ट वर्ड इज दावेदार। तो दय बनाकर फिर बै फिर दा लगाकर आ की मात्रा लगा दो या ई ए की मात्रा लगा दो, ये हो जाएगा दावेदार। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेबल। तो पे में रे बनाकर फिर बे में ले बनाकर प्रेबल, ये आंकड़ा होता है रे का और ले का, तो ऐसे ही पे में रे फिर बे में ले प्रेबल। नेक्स्ट आउटलाइन इज तर्क यह है कि। तो तर्क बनाकर यह है कि का गोला, तर्क यह है कि, ऐसे ही बात बनाकर बे में तय बनाकर बात फिर यह है कि का गोला, बात यह है कि। नेक्स्ट वर्ड इज गत 20 बरसों। तो गय बनाकर फिर तय ये जाएगा गत फिर 20 लिखकर बे में से फिर ओ की मात्रा गत 20 बरसों। नेक्स्ट वर्ड इज सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों शब्द एक साथ ही आते हैं, तो ऐसे ये हो जाएगा समाज फिर समाज में एक लगाकर सामाजिक, एक बार आर्थिक रे बनाकर दूसरा में और फिर एक बार फिर रे बनाकर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। एक बार फिर समझेंगे, सामाजिक में सामाजिक तीन बार आर बनाकर सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट वर्ड इज परिस्थितियों। तो पे में रे बनाकर स्थिति का आंकड़ा लगाकर य के साथ और अंक की बिंदी परिस्थितियों। नेक्स्ट वर्ड इज सख्ती। तय में के बनाकर फिर तय ई की मात्रा सख्ती।
नेक्स्ट वर्ड इज संतुलन, तो से में नए बनाकर फिर तय में लय फिर नय संतुलन। नेक्स्ट वर्ड इज व्यापक, ब में पै बनाकर फिर कै और यह लगाकर ये हो जाएगा व्यापक। एक बार फिर देख लीजिए, ब में पै बनाकर फिर कै और ये हो जाएगा व्यापक। नेक्स्ट आउटलाइन इज फेर बदल, तो फे में रह बनाकर और फिर बै ये हो जाएगा फेर बदल, फेर मतलब फेर बदल। ये आउटलाइन याद कर लीजिए, बहुत आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड इज इसलिए और एक होता है इसीलिए, तो सबसे पहले समझेंगे इसलिए, इसमें ये शब्द चिन्ह है और इसीलिए में ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा इसीलिए। नेक्स्ट आउटलाइन इज अनुरूप, ए में नर नर बनाकर अनार हो गया आ की मात्रा के साथ अनार, तो ऐसे ही अनुरूप में ए नर है फिर पे बना देंगे ऊ के साथ तो हो जाएगा अनुरूप। नेक्स्ट वर्ड इज विकासशील, तो ब में ये हो जाएगा विकास, ब में केवल फिर से बनाकर तो फिर विकासशील में बैब कैस है और ई लगा देंगे तो विकासशील। नेक्स्ट वर्ड इज उभरते, तो भैर है भारत ये हो जाएगा भारत एक ही मात्रा के साथ हो जाएगा उभरते। नेक्स्ट वर्ड इज प्रतिनिधित्व, कल आया था प्रतिनिधि, तो पै में रह बनाकर प्रे फिर नै से ई ये हो जाएगा प्रतिनिधि, और आज आया प्रतिनिधित्व तो पै में रह बनाकर फिर नए तो एक आंकड़ा लगाकर प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट वर्ड इज होना, तो है बनाकर और नए बनाकर होना। नेक्स्ट वर्ड इज अति आवश्यक है, सबसे पहले समझते हैं अति कैसे लिखा जाएगा, ए में तय बनाकर ये हो जाएगा अति, आवश्यक का शब्द चिन्ह और है बनाकर है, तो इन तीनों को मिलाएंगे आउटलाइन बनेगी एम में तय बनाकर आवश्यक है और की आगे तो आती आवश्यक है की और जोड़ देंगे। नेक्स्ट वर्ड इज प्रजातांत्रिक, पे में जय बनाकर तंत्र का आंकड़े लगाकर एक लगा देंगे प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट वर्ड इज सत्ता, तो सात बना देंगे तो हो जाएगा सत्ता, ऐसे ही भाजपा लिखने के लिए जेड बना देंगे तो हो जाएगा भाजपा। नेक्स्ट वर्ड इज समकालीन, तो कै में लय बनाकर नय ये हो जाएगा कलन, और सम का बिंदी लगाकर शुरू में तो हो जाएगा समकालीन। नेक्स्ट वर्ड इज परिवेश, पै में रह बनाकर फिर बे और स एक ही मात्रा के साथ ये हो जाएगा परिवेश, प्रवेश आए तो पै में रह बनाकर फिर बे और एक ही मात्रा प्रवेश। नेक्स्ट वर्ड इज प्रभावी, सोचते हैं ये प्रभावी कैसे लिखा जाएगा, पै में रह बनाकर और भय बनाकर बै बनाकर एक ही मात्रा के साथ प्रभावी। नेक्स्ट वर्ड इज बनाने के लिए, तो बनाने के लिए लिखेंगे बै के साथ डबल ने जाएगा बनाने, के बनाएंगे तो के और ले में यह बनाकर लिए, तो इन तीनों को मिलाकर आउटलाइन बनेगी बनाने लिए मतलब बनाने के लिए। ऐसे ही बे के साथ डबल ने ये हो जाएगा बनने और लिए लगा देंगे तो बनने के लिए। नेक्स्ट आउटलाइन इज साथ ही साथ, तो समझेंगे साथ कैसे लिखाएगा, साथ हम लिख देंगे साथ बनाकर और डबल लंबा साथ मतलब सत्ता, तो साथ बनाकर और अंडा बना देंगे बीच में तो हो जाएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट आउटलाइन इज कर दिया गया, तो कै में रह फिर दया बनाकर गया में गया कर दिया गया, एक बार फिर समझ लीजिए, कै में रह कर और दिया ऐसे लिखा जाएगा और गया में यह बनाकर कर दिया गया, तो हम तीनों को मिलाएंगे तो बनेगी आउटलाइन कर दिया गया। तो आज हमारी आउटलाइन पार्ट 6 पूरा हो चुका है, तो आपको जो भी आउटलाइन समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लिया करिए, हम बता देंगे, और मेरा ईमेल भी है उसको जीमेल कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते रहिए हमारे साथ क्लास में, थैंक यू।